ये क्षेत्र अपने भौगोलिक दृष्टिकोण से यहाँ पर 90% से अधिक लोग खेतीबाड़ी में व्यस्त रहता था, क्योंकि हम लोग का जो ये पठारी क्षेत्र है, ये ढलान जगह पर होने की वजह से, खेतों में पानी होने की वजह से यहाँ पर लगातार लोग खेतीबाड़ी तो करते हैं, लेकिन कभी कभी मौसम का मार भी उनको झेलना पड़ता है। आज नहीं, हम बरसों से इस क्षेत्र में आते जाते रहे हैं। इस क्षेत्र में अनेकों राइस मिल हुआ करते थे, लेकिन वो राइस मिल बंद हो गए। विगत 19 वर्षों में हमारे आज के विपक्षों ने ऐसे राइस मिलों के लिए कानून बनाया कि सब राइस मिल बंद हो गए। अभी हम लोग लगातार राइस मिल को प्रमोशन करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने हाल में ही 13-14 राइस मिल लगाने का अनुमति दिया है। हमको लगता है वो राइस मिल लगभग तैयारी कगार पर है। अभी हम लोगों की सरकार की जो नई नीति के तहत जो यहां पर राइस मिल लगेगा, अगर 10 करोड़ रुपए का राइस मिल लगेगा तो उसमें 4 करोड़ रुपया राज्य सरकार लगाएगी और उसको खड़ा करने में सहायता देगा। आप लोग राइस मिल इसलिए, हम लोग धान का खरीद करते हैं किसानों से, तो सारा धान इसलिए नहीं खरीद पाते क्योंकि यहां राइस मिल का क्षमता बहुत कम है। और विशेषकर हम यहाँ पर नौजवान लोग जो पढ़े लिखे भी हैं, अरे नौकरी ढूंढते रहोगे तो नौकरी के बाद भी बहुत हुज्जत है। नौकरी के बाद अच्छा पोस्टिंग चाहिए, फिर अच्छा पोस्टिंग नहीं मिला तो प्रमोशन चाहिए, फिर पता चला कहीं तनख्वाह कम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है समय पर, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, दुनिया भर का परेशानी है। आप लोग भी इस काम को कीजिए। हम तो प्रयास करेंगे कि यहाँ पर आदिवासी युवक युवतियाँ राइस मिल वगैरह लगाने के लिए आगे बढ़ती है तो उनके लिए हम विशेष व्यवस्था करने का काम करेंगे ताकि इस क्षेत्र में रोजगार सृजन हो सके। पहली बार हम लोगों ने ये कानून बनाया, पहले कभी खेल नीति बना नहीं, हम लोगों ने खेल नीति बनाई और उस खेल नीति के माध्यम से जो बच्चे बेहतर प्रदर्शन करेंगे ओलंपिक वगैरह और इन बड़े बड़े खेल जो होते हैं आयोजन, उन सब बच्चों को सरकार सीधी नियुक्ति करने का काम करेगी। कई जगह तो हम लोग नियुक्ति भी दे चुके हैं। अभी गांव गांव फोटो हो खेल मैदान बन रहा है, सिद्धू कानू क्लब बन रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग उन सिद्धू कानू क्लब को खेल सामग्री भी देंगे और आर्थिक रूप से सहायता भी देंगे ताकि हमारे गांव में जो नौजवान है खेल के माध्यम से भी अपना भी नाम रोशन करें और देश और राज्य का भी नाम रोशन करें। हम लोगों ने बहुत बच्चों को अभी काफ़ी आर्थिक रूप से करोड़ों करोड़ रुपए का उन लोगों को सहायता प्रदान किया है, तो इसलिए आप खेल के माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ हम आप लोग, चूंकि हो सकता है कि मौसम भी खराब हो जाए अचानक, हाँ एक और चीज़, अभी हमारे मंत्री जी ने घोषणा किया जरूर कि मोटरसाइकिल हम माझी परगने गुणेत लोग को देंगे, शायद एक घोषणा करने भूल गए जो मैं बता देना चाहता हूँ। आज हमारे जो सामाजिक अगुआ लोग हैं माझी प्रधान गुणेत नायके, ये सब लोगों को मोटरसाइकिल वाला प्रोग्राम तो चलाएंगे, साथ साथ में सरकार उनको भी अब आवास भी देगी। ये भी अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।